हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेजेस्टिक मानस में। शिवम यादव जी और हमारे चैनल की तरफ से इनको बहुत सारी बधाई है। अब आज हम आपको लेके आए हैं इनके पास और इनसे आपको दिलवाएंगे बहुत सारी टिप्स जो कि नए बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन उनको नहीं समझ में आता कैसे करें, क्योंकि एक एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी होता है। तो वो एक्सपीरियंस अब सर का हम लेना चाह रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और दिखाते हैं आपको सर का ये इंटरव्यू। सर, आपका बहुत सारा स्वागत है। पहले तो आपका परिचय। जी, मेरा नाम शिवम यादव है, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। सर, आपकी जो सबसे पहले शुरुआत कहते हैं स्कूलिंग, वो कहाँ से हुई? जी, मेरी स्कूलिंग SGS पब्लिक स्कूल रायबरेली से ही हुई है। अच्छा, उसके बाद ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैंने क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर किया था और उसके बाद मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ से मैंने अपना BLLB ऑनर्स उत्तीर्ण किया। अच्छा, और सर जैसा कि हमने आपके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था और इतना हमें पता चला था कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा घना अंधेरा आया था आपकी मदर का जो समय था, क्योंकि सर वो चीज़ हम समझ सकते हैं, तो सर उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया? देखिए, मैं उस समय 9वीं कक्षा में था, तो 9वीं कक्षा में शायद मैं खुद को इतना मैनेज नहीं कर पाता, लेकिन मेरे पिताजी थे और मेरे भाई थे तो उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और हमेशा साथ खड़े रहे। हर चीज़ उन्होंने देखी, कोचिंग से लेकर के स्कूल तक सब कुछ मैनेज किया है और शायद इसलिए कमी कभी महसूस हुई नहीं है। सर जैसा है कि अब यहाँ आपने बताया कि आपने BLLB कर लिया, क्लैट का एग्ज़ाम वगैरह हो गया, उसके बाद सर फिर जब आपने ये पूरा किया तब आगे की जर्नी क्या रही? और जब कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने राहुल सर का नाम बहुत सुना था इंडिया में, और फिर मैंने राहुल SIS कोचिंग ज्वाइन की वहाँ जा कर के दिल्ली में, और फिर वहाँ दिल्ली चला गया, वहाँ पर तैयारी शुरू की, बट कोविड हो गया और कोचिंग्स बंद हो गई, फिर वापस आना पड़ा और फिर मैंने ऑनलाइन माध्यम से यहीं अपने घर से ही तैयारी की बाकी की। अच्छा जी, तो सर ये आपका जो तैयारी करते हुए कितना लगभग समय हो गया था? मुझे लगता है करीब 1.5 साल 2 साल के आसपास आपने तैयारी करी। जी जी, 2 साल के आसपास। सर जब आपने ये तैयारी करी तो उस बीच आपके क्या क्या दिक्कतें आती थी, उसको आप कैसे मैनेज करते थे कि कैसे स्टडीज़ मैनेजमेंट होता है? जी, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक एस्पिरेंट के साथ दिक्कत जो आती है वो प्रेशर की आती है, फैमिली प्रेशर, और दूसरी दिक्कत आती है मेंटल हेल्थ की। तो आई वॉज ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल फैमिली, तो मुझे कभी फैमिली प्रेशर नहीं आया कि नहीं तुम्हें निकालना ही है और तुम्हें जल्दी निकालना है, तो कभी इस तरह का प्रेशर नहीं आया। हमेशा सब लोग कहते थे, पापा खासकर हमेशा कहते थे, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम लो। अच्छा। तुम्हें जब निकालना है निकालो और कोई जल्दी नहीं है। अच्छा। और जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है वो एस्पिरेंट को खुद से ही डील करना पड़ता है, तो मैं उसके लिए एक्सरसाइज करता था, पोएट्रीज पढ़ता था और गाने सुनता था, और उससे काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुई मेरी और मोटिवेशन बना रहा हमेशा। सर पढ़ाई का आपका कैसा शेड्यूल रहता था, पढ़ाई कैसे करना है? जी, मैंने शुरू में पहले तो क्लासेस करता था कोचिंग की, फिर जब क्लासेस ख़त्म हो गई कोचिंग की तो अपने नोट्स का रिवीजन करता था, मेंस के लिए रेगुलर आंसर राइटिंग करता था जी। और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा टाइम बेरैक्ट को अच्छे से पढ़ता था, और जो लाइव लॉ करके ऐप है उससे केस लॉज का आपको रेगुलर नॉलेज रहता है कि कौन सा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है, तो जैसे जैसे जजमेंट आता रहता था मैं वैसे वैसे उन्हें पढ़ता रहता था। अच्छा सर, अब आपने ये PCSJ क्वालिफाई किया, PCSJ क्या होता है? जी, PCS का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और J का फुल फॉर्म होता है जुडिशियल। तो जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल मैंने क्वालिफाई किया है ये जुडिशरी के लिए है, आप इससे जज बनते हैं। अच्छा। PCS में आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाते हैं, बल्कि PCSJ में आप जज बनते हैं, तो जुडिशरी के लिए है। अच्छा जी सर। सर ये बताइए कि PCSJ का जो पेपर होता है उसको पास करने के लिए एक बच्चे की क्या एलिजिबिलिटी होती है, मतलब क्या क्या उससे तैयारी करनी चाहिए? एलिजिबिलिटी इसके लिए जो देखिए हर स्टेट करवाता है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, दिल्ली, UP, हर स्टेट का अलग PCSJ एग्ज़ाम होता है, और एलिजिबिलिटी बेसिक होती है आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए जी। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है, बाकी तैयारी इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, और आपको प्रीलिम्स के लिए बेरैक्स और केस लॉस पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम पूरा बेरैक्ट फोकस्ड होता है, केस लॉस पूछते हैं, उसमें मैक्सिम्स आते हैं, और जब मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही टेस्ट होता है एक साथ में, तो रेगुलर आंसर राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, और फिर इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट है कि हाउ इज़ योर पर्सनालिटी, हाउ यू वॉक, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू सिट एंड हाउ यू टॉक। तो सर ये हमें बताइए कि जैसे इंटरव्यू में आपसे किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए, थोड़ा एक एग्जांपल। इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा पैनल था, उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की, वो इंटरव्यू के बजाय एक तरह की बातचीत थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में,
तो भारतीय साक्ष्य संहिता है, इंडियन एविडेंस एक्ट, मैंने बताया। फिर उन्होंने उससे क्वेश्चंस पूछे डाइंग डिक्लेरेशन पे, फिर प्रोसीजरल लॉस पे क्वेश्चन पूछे, और अंत में न्यायिक जांच और प्रशासनिक जांच का क्वेश्चन पूछा था। अच्छा जी सर, अब इसके बाद आपको कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना होगा? जी अभी इसके बाद का प्रोसेस मैं बहुत श्योर नहीं हूँ क्या होता है, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्टली ट्रेनिंग पे भी भेज देते हैं और कभी कभी डायरेक्टली वो एक डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर देते हैं। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो सकता है डायरेक्टली ज्वाइनिंग होते ही। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है या नहीं? नहीं, रायबरेली अपना डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, कोई और मिल सकेगा, मतलब यूपी में मिलेगा? हाँ यूपी में ही मिलेगा, कोई और मिलेगा जी। सर ये बताइए कि आपने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो ऐसा बताया कि पोएट्री पढ़ के और ऐसे किया, काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि इतना डिस्करेज हो जाते हैं कि वो सुसाइड वगैरह करने लगते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं हो जाता है तो आपने अगर इसकी तैयारी की है तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ आपने कर लिया है, आप मतलब काफ़ी आगे आ गए हैं। तो अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करने को पड़ी हैं। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम में अराउंड 80,000 बच्चे बैठे थे, बट लास्ट में 303 सेलेक्ट हुए हैं। बट जो बाकी लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उसका मतलब ये नहीं कुछ कर नहीं पाएंगे, वो भी कुछ बड़ा करेंगे ज़िंदगी में। तो आप इसको एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही लें, इसको ऐसा मत लें कि ये पूरी लाइफ आपकी चली जाएगी इससे। सर इसमें आपकी रैंक आई थी? मेरी 127 रैंक है यूपी में जी। जब आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसका, तब यहाँ आए तो फिर यहाँ का कैसा माहौल था घर में? मैं एक्चुअली जिम में था जब रिज़ल्ट आया था। अच्छा। तो मैं शाम को जिम जाने लगा था क्योंकि एग्ज़ाम हो गया था, और जिम में था और अचानक से जिम में रिज़ल्ट आया और मैं मतलब काफ़ी शॉक था थोड़ी देर तक। फिर तुरंत भाग करके जिम छोड़ करके घर आया, पापा को बताया, और बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, अविश्वसनीय था, जैसे मैंने कहा काफ़ी सररियल एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी तब समय तक विश्वास नहीं होता कि हो गया। उस समय आपको मम्मी की याद बहुत आई होगी? हाँ रोज़ आती हैं, ऐसा कभी होता नहीं कि ना है उस दिन, हाँ था कि रहती साथ में तो थोड़ा और अच्छा रहता। हाँ ये देखा दोस्तों, आपने सर का एक खास इंटरव्यू जिसमें सर ने काफ़ी ज़्यादा बताया, अपने एक्सपीरियंस बताया, कुछ आपके सवाल थे कुछ हमारे सवाल थे, और ये आपके लिए भी बहुत कारगर होने वाला है और कुछ हम अपने ऊपर भी ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ ये इंटरव्यू करते हैं पिकअप में, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक लीजिए हमें विदा, नमस्कार।